स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। मैं हूँ मूनशाइन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं कोई एक नई लोकेशन पे हूँ, तो हाँ, आज जो हमारे गांव के मुखिया है अंकल लोग, उनका आज देहरादून में घर का गृह प्रवेश है, तो हम लोग वहीं आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं गोला के घर में जहाँ आज गृह प्रवेश है, और गोला जो है हमको आज अपना पूरा घर दिखाएंगी। तो हम इस टाइम आ गए हैं। ये हमारा बैठक है। अच्छा, बैठक है। तो आप देख सकते हो अभी तो सामान वगैरह तो कुछ आया नहीं है। ये गांव से जो है ये बुआ जी और दादी जी, और ये हैं दादाजी। तो ये सब लोग गांव से आ रखे हैं, पूरी फैमिली इनकी गांव से आ रखी है। और यहाँ पे होना है, यहाँ पे कथा होनी है। तो कथा की जो तैयारियाँ हैं पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के आराम आराम से। और ये है हमारी प्यारी मिस्टू जो गांव से आ रखी है। और अब जाते किचन। तो किचन में आंटी जी हैं, प्रसाद की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे सब लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। काफ़ी सुंदर किचन बना रखा है, आप देख सकते हो। ये जितना वुडन वर्क है ये बाद में इन्होंने कराया है सारा का सारा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत घर है इनका। और इस साइड को ये इनका बाथरूम। और अच्छा, ये है अंकल आंटी का रूम। और पेंट अभी नहीं हुआ है, इसी में रह गया पेंट करने को इसमें अभी। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी तो ऐसे आवाज इसमें पूरी गूंज रही है। ये इससे अटैच वॉशरूम, इंडियन वाला, क्योंकि पहाड़ी लोग इंडियन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज्यादा पसंद रहता है। अब जाते हैं दूसरे रूम में। और ये है सेकंड रूम जिसमें पेंट वगैरह हो चुका है। ये वार्डरोब वगैरह बना रखी है, बनवाई है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है रूम, अभी तो खाली है। तो चलो अब जाते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं। नमस्ते, हेलो। तो जाते हैं अब अंदर और ऊपर वाला फ्लोर भी देखते हैं। ये है इनका ऊपर वाले फ्लोर की बैठक, काफी खूबसूरत है, देख सकते हो आप। मस्त घर बना है गोला। और ये डाइनिंग रूम इनका देख सकते हैं, सेम ऐसा ही। इधर एक रूम ये वाला है जिसमें इन्होंने हैवी वाली वार्डरोब जैसी नीचे दी हुई थी, सेम वैसे ही दे रखी। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ बढ़िया है, अच्छी लग रही है। और ये इनका स्टडी रूम है, इसमें इन्होंने इस साइड को ये वार्डरोब वगैरह दे रखी है। ये देखिए, अच्छा ऐसी थी पहले वार्डरोब है, ओके। तो ये जो है इन्होंने अपना स्टडी रूम बना रखा है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा कर लेना। अच्छा, ये यहाँ पे वेस्टर्न वाला वॉशरूम इनका। और ये इधर का ऊपर वाले फ्लोर का किचन है। ऊपर वाला फ्लोर भी हम लोगों ने देख लिया, अब जाते हैं हम लोग टेरेस पे। टेरेस भी देख के आ जाते हैं कि टेरेस कैसा है और यहाँ से कैसा आसपास एरिया नजर आता है। आ गए हैं टेरेस पे। ओ माय गॉड, काफी बड़ा है गोला। हाँ, अच्छा, ऊपर टंकी लगी हुई है। सुंदर घर है गोला। ये तो माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर। कौन सा? नीचे यहाँ पे।
कहाँ पे? वो लिखा हुआ है प्राचीन। अच्छा वो वाला, ठीक। गोला कैसा लग रहा है नए घर में आके? बहुत ज्यादा थकान हो रही है अभी तो। बहुत अच्छा काम करना पड़ता है अभी, पूरा घर सेट करने में बहुत टाइम लगेगा। हमारा घर तो अभी तक सेट ही नहीं हो रखा, जितना पहले से सामान था उसी के साथ काम चल रहा है, इसलिए मैंने अपने घर का होम टूर नहीं करा आज तक, क्योंकि वो अभी कंप्लीट हो ही नहीं रखा। जब कंप्लीट होगा तभी करूंगी मैं तो। लेकिन गोला जो है ये अपने नए घर में आ चुकी हैं और कुछ दिनों बाद ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो आगे अभी जो कथा वगैरह होगी उसको भी हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, तो बने रहे मेरी वीडियो में। ओम विष्णु नारायण वशी विष्णु सनातन विष्णु शिव वशी विष्णु वशी विष्णु देवा ओम अग्निदेव। इस टाइम पे यहाँ पे कन्या को भोजन कराया जा रहा है। ये सारी छोटी छोटी कन्याएं, एक ये मिष्टू है पैसे लिए बैठी हुई है, ढेर सारे छुपा भी रही है। खाना खा लिया तुमने? खा लिया? तो हम लोग भी जाते हैं और लंच करते हैं। खाना वगैरह तो हो गया और जो गुलाब जामुन थे वो काफ़ी टेस्टी थे, मुंह में जाते ही घुल जा रहे थे, तो मुझे सबसे अच्छे तो गुलाब जामुन ही लगे खाने में। बाकी सारा खाना भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो भी फंक्शन था वो सारा निपट गया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कथा वगैरह थी तो उसमें तो टाइम लग ही जाता है। और ये सब लोग हैं हमारे गांव चिबोऊ से आए हुए, सभी परिवार से एक एक जने, और यहाँ पर खाना वगैरह तो सबने खा लिया है और इसके बाद ये सभी लोग अब जाएंगे हमारे घर पर, क्योंकि ऐसे तो देहरादून आना सबका एक साथ नहीं हो पाता है, तो इसी बहाने ये हमारे घर भी जा रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग आए हुए थे फंक्शन में उनमें इन्हें तो आप जान ही चुके, ये बुआ जी हैं और ये हैं, ये भी बुआ जी हैं दूसरे घर की हैं, और ये निशा है, इन्हें बुआ नहीं कहूँगी क्योंकि ये हमारी उम्र के हैं, हमसे छोटी है। तो आशु के घर का जो फंक्शन था वो सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। फ्रेंड्स अब
अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ का जो फंक्शन था गृह प्रवेश वाला और लंच वो सारा फिनिश हो चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।